नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, हर हफ्ते हम आपको तीन नई रेसिपीज बताते हैं और आज एक ऐसी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बिल्कुल शादियों वाली है। जी हां, शादियों का सीजन फिर से शुरू होने वाला है। अब शादी का न्योता ना आए तो घर पे ये वाली रेसिपी जरूर बनाना। आलू गोभी की रेसिपी बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं बनाऊंगा। आलू और गोभी दोनों फ्राई होंगे, बहुत ही टेस्टी मसाले के अंदर इसको लपेटा जाएगा और जब आप इसे खाएंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे एक शादी में अटेंड करने के लिए। जी हाँ, तो बनाते हैं बढ़िया शादी वाले आलू गोभी। तो सबसे पहले गोभी के ये हमने मोटे मोटे फ्लोरेट्स काट लिए हैं। मेक श्योर कि इसे अच्छी तरीके से आप साफ कर लें। कई बार गोभी जो कि नॉन सीजनल होती है उसके अंदर कीड़े होते हैं। देखने का तरीका सिर्फ सिंपल है, इसको इस तरीके से देखिए, कीड़ा अगर दिख रहा है तो उसे निकालिए। नमक और हल्दी के पानी में इसे छोड़ दीजिए। ये है आपकी डैडी टिप। अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे आलू के वेजेस, यानी कि बढ़िया बढ़िया ये इस तरीके के ये पीसेस। डीप फ्राई जो है गोभी को और आलू को दोनों को कर लिया जाएगा। फिर बनाना शुरू करेंगे इसका मसाला। अब गोभी को इतना फ्राई करना है जब तक बाहर से बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अंदर से सॉफ्ट ना हो जाए। गोभी बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, अब इसी तरीके से आलू को भी फ्राई कर सकते हैं। वैसे कुछ लोग इसे हल्का सा एक ब्लांच देते हैं फिर फ्राई करते हैं, उससे क्रिस्पनेस ज़्यादा आती है। पर इनफैक्ट पॉइंट ये है कि ये सब्जी में जाके तो सौगी हो ही जाने वाला है, तो हमें क्रिस्पनेस नहीं, हमें फ्लेवर चाहिए, फ्राइड वाला फ्लेवर। का मसाला भी चढ़ा लेते हैं। मसाला बहुत ही सिंपल है, प्याज और टमाटर को भूनना है, साथ में कसूरी मेथी को भूनना है, थोड़े से सूखे मसाले जाएंगे और ये आलू गोभी उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। चाहे तो इसमें थोड़ा दही भी डाल सकते हैं, चॉइस है, ऑप्शनल है, बट बिना दही के भी बहुत टेस्टी बनता है। चलिए मसाला बनाते हैं। अब बनाते हैं आलू गोभी का मसाला। उसके लिए सबसे पहले एक पैन को गरम करेंगे। उसमें मैं डाल रहा हूँ 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा जीरा, साथ में डाल रहा हूँ 2 तेज पत्ता। जैसे ही जीरा क्रैकल हो उसमें हम डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। अब चॉप किए हुए प्याज को ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन तक हमें भूनना है। इसके अंदर डाला जाए थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ ग्रीन चिली और जिंजर जूलियंस। एक बार प्याज बढ़िया से भुन जाए उसमें डालेंगे ग्रीन चिली की पेस्ट। अब आपके लिए मैं एक टिप बताता हूँ। ये शादियों वाला जो फ्लेवर होता है ना, बड़ा यूनिक सा फ्लेवर होता है, वो कुछ कुछ चीज़ों की वजह से होता है। अब एक टिप यहाँ पे ये है कि वो हरी मिर्च का पेस्ट और स्लाइस की भी हरी मिर्च दोनों यूज़ करते हैं। जब हरी मिर्च की पेस्ट भुनती है ना तो वो हल्की सी चरमराहट देती है जो आपके मुँह में ही लगती है, आपके गले में कभी नहीं लगेगी। एंड दैट इज़ द रीज़न वो शादी वाली चटपटी सब्जी हमेशा पसंद आती है। तो अगर वो चटपटापन चाहिए तो ग्रीन चिली की पेस्ट इस्तेमाल कीजिए। साथ में मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। अब मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अभी सूखे मसाले डाल के इस मसाले को हमें अच्छी तरीके से पकाना है, फिर टमाटर डालेंगे। इस मसाले को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सूखे मसाले जले नहीं। अब इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर और साथ में नमक। अब इस मसाले को हमें अच्छी तरीके से भूनना है जब तक टमाटर ऑलमोस्ट गल ना जाए। अब यही अगर एक बड़ी कढ़ाई में बड़ी फ्लेम में होगा तो झटपट भुन जाता है, लेकिन घर की आंच पे तो लगेंगे 5-7 मिनट। तो 5-7 मिनट इस मसाले को अच्छी तरीके से भुनने दीजिए।
अब डालेंगे इसमें सब्जी मसाला। अब इस डिश के अगर गेम चेंजर यानी कि फ्लेवर चेंजर की अगर बात करी जाए तो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ है आलू गोभी डीप फ्राइड। उससे देखो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि हेल्दी नहीं है, तो हेल्दी का ऑप्शन मैं आपको बता दिया, एयर फ्राई कर लीजिए या रोस्ट कर लीजिए। दूसरा जो गेम चेंजर है वो है ये कसूरी मेथी। अब कसूरी मेथी जनरली हम बाद में डालते हैं पाउडर करके, लेकिन यहाँ पे पहले जाएगी क्योंकि इसे हम भिगो रहे हैं। जी हाँ, पानी में कसूरी मेथी को भिगो लिया जाएगा, थोड़ी देर वो उसकी जो कड़वाहट है वो हल्की निकल जाएगी, तो पानी से निचोड़ के कसूरी मेथी इसमें डाल दी जाएगी भीगी हुई। तो दोस्तों आपके लिए मैं तीन नई रेसिपीज हर हफ्ते लेके आता हूँ। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि तीन नई रेसिपीज आ गई, आपके फीड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो घंटी भी बच जाएगी। तो इसलिए दिमाग लगाएं, नई रेसिपी अगर हर हफ्ते सीखनी है तो सब्सक्राइब जरूरी है। अब ये मसाला भून चुका है, इसमें डालेंगे ये सोक की हुई कसूरी मेथी। अब अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट इसे भूनेंगे और फिर डालेंगे ये फ्राई की हुई गोभी और आलू। वैसे जिस तरह गोभी आलू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, वैसे गोभी और अदरक का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सो आप डालेंगे अदरक के जूलियन, साथ में थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। अब हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है क्योंकि गोभी और आलू दोनों फ्राई किए हुए हैं और टूट सकते हैं, इसलिए हल्के हाथ से इसे ऊपर से नीचे स्टर कीजिए। अगर मसाला ज़्यादा थिक हो गया है तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार के इसे वापस से स्टर कीजिए। 2 मिनट ढक के पकाइए और फिर ये जो धुआं है बता रहा है कि हमारी आलू गोभी बिल्कुल शादी वाली तैयार है। लुक एट दैट ब्यूटिफुल कलर। नाउ टाइम टू सर्व, एंजॉय विद सम तवा पराठास और पूरी और पुलाव। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि इंटरनेट पे सबसे बढ़िया बेड़मी पूड़ी की सब्जी है तो ये है, और वो सही में बहुत सराही गई थी। आज 3.5 मिलियन व्यूज पे बैठी हुई है और आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर इंटरनेट पे कोई सबसे टेस्टी आलू गोभी की सब्जी है तो वो ये है। जाओ बनाओ, खुद ट्राई करो और फिर बोलना कि शेफ हाँ आपने सही कहा था, बहुत टेस्टी है। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।